आधार कार्ड के द्वारा नई वेबसाइट जो है लॉन्च की गई है, जिस वेबसाइट को ई लर्निंग के नाम से जो है जाना जा रहा है। इसमें अब जो है नए आधार कार्ड के साथ साथ आप जो है आधार कार्ड का जो सर्टिफिकेट है यानी कि आधार कोर्स भी कर सकते हैं। इसमें जो आधार कोर्स रहता है इसके क्या बेनिफिट होंगे और क्या आपको फ़ायदे मिलेंगे, इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम निकलती है उसका आप बेनिफिट ले सके और उनकी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। क्या आप जानते हैं आधार कार्ड की जो है नई वेबसाइट लॉन्च हुई है, जिसमें ई लर्निंग वेबसाइट जो है बनाई गई है। इस ई लर्निंग वेबसाइट का क्या काम है, क्या आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं या नहीं, तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो जैसे आप ई लर्निंग वेबसाइट को ओपन करते हैं तो इस तरह की वेबसाइट आती है। जब ये वेबसाइट ओपन होती है तो यहाँ पे आपको लॉगिन और पासवर्ड मांगता है। तो इस वेबसाइट का काम क्या होगा, जब तक आप अपनी आईडी इस वेबसाइट के अंदर क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी जो रजिस्टर करना होगा, उसके लिए यहाँ पे एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आता है। इस वेबसाइट पे अपने नया अकाउंट बनाने के लिए कुछ एक जो फील्ड दी गई है यहाँ पे, इनको फिलअप करके जो है अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसमें आपका नाम रहेगा, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डाल सकते हैं, यूज़र नेम यहाँ पे क्रिएट कर सकेंगे और पासवर्ड अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपनी ई मेल डालेंगे और दोबारा से रिपीट अपनी ई मेल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपनी सिटी आएगी, सिटी डालेंगे, यहाँ पर अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से टाइप एजेंसी आर ओ क्यू सी एडमिन या फिर एस एस यू पी एडमिन, दोनों में से कोई भी एजेंसी ले सकते हैं। उसी एजेंसी का आपको जो है अगर कोई बेनिफिट होता है तो वो बेनिफिट वो एजेंसी आपको देंगी। इसके बाद आपने जो है क्रिएट न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिससे आपका जो है आईडी क्रिएट हो जाएगी। जब आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है तो इस तरह का आपको जो है डैशबोर्ड ओपन होगा। आपके ईमेल में जो है इस जो ई लर्निंग की वेबसाइट की तरफ से मैसेज आएगा कन्फर्म करने के लिए, तो वहाँ से जैसे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे आपकी आईडी जो है क्रिएट हो जाएगी। एक्टिवेशन के लिए कन्फर्म कंपलसरी है, तभी आप यूज़र नेम जो आपने और पासवर्ड डाला हुआ है जो क्रिएट किया है तभी उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। जब आपका यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट हो जाता है फिर आप जो है दोबारा से ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, जो आपने यूज़र नेम रखा होगा यहाँ डालेंगे और पासवर्ड क्रिएट किया है उसको यहाँ पे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जब ये वेबसाइट ओपन करेगी यहाँ पे आपको कोई भी कोर्स नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक हेयर द और कोर्सेज एनरोल के लिए क्लिक करना है। जब आप इस वेबसाइट में लॉगिन होते हैं तो इस तरह के आपको जो है चार प्रकार के जो है कोर्स स्क्रीन पे आ जाते हैं। अगर आपने इन कोर्स को करना है तो सारा का सारा इसका जो प्रोसेस है ऑनलाइन ही रहता है, ऑनलाइन ही इसकी आपको असाइनमेंट करनी होगी, ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम देना होगा, चाहे आप अपने घर में भी बैठ के अपने सिस्टम पे देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो कोर्स है अभी आपको बताते हैं, जिसमें सबसे पहला आधार का प्रमाणीकरण का परिचय रहता है, कोर्स का नाम है। दूसरा रहता है इंट्रोडक्शन टू आधार ऑथराइजेशन एंड सीडिंग का है। उसके बाद नामांकन और अत्यंत प्रक्रिया का, और इसके बाद रहता है एनरोलमेंट अपडेट प्रोसेस का। ई लर्निंग के थ्रू ये जो चार कोर्स प्रोवाइड किए गए हैं, अगर आप इनको अप्लाई करके इनका सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं तो इसके थ्रू आप जो है आधार सेंटर भी ले सकते हैं। लेकिन अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि जो सर्टिफिकेट ये देंगे उसके थ्रू आप और भी आधार की सर्विसें ले सकते हैं या नहीं, तो इसके लिए ईमेल के वो है। जैसे ईमेल का रिस्पॉन्स आता है तो आपको हम अपने इस चैनल के थ्रू जरूर इन्फॉर्मेशन देंगे जो सर्टिफिकेट जनरेट होगा उसका क्या बेनिफिट रहता है। जब ये वेबसाइट ओपन होती है, जब आपने एनरोलमेंट वाला ऑप्शन यानी कि आधार प्रमाणीकरण का परिचय वाला चैप्टर ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको 8 यूनिट आएंगी। इसमें 5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और ये हिंदी लैंग्वेज में रहेगा। इसके बाद आपने एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसमें एंटर करने के लिए इसका जो टेस्ट क्वालिफाइड करने के लिए। आपको बता दें ये वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा स्लो है इस वक्त, जब भी आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका प्रोसेसिंग में कम से कम 5 या 10 मिनट लगने वाले हैं।
तो थोड़ा संयम रखें। जब ये वेबसाइट ओपन हो जाती है तब आगे का आपका प्रोसेस कंप्लीट करें। जैसे आपने एनवायरमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है तो इस तरह के ऑप्शन जो है हाईलाइट हो जाते हैं। सबसे पहले आपको प्री असाइनमेंट वाला जो है कंप्लीट करना होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे सेल्फ प्लेस लर्निंग का आएगा, फाइनल असेसमेंट आएगा, और फिर आपका लास्ट में जो है कंप्लीट होने के बाद आपका जो है कंप्लीट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये इसका आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस तरह आपने असाइनमेंटें कंप्लीट करनी है, क्या प्रोसेस रहता है। और जब तक हमारी ईमेल भी आ जाएगी जो हमने यूआईडी को की है कि जो सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको मिलेगा उसका क्या बेनिफिट रहता है।